अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। हमने चैप्टर नंबर 22 जेनेटिक्स और वेरिएशन को स्टार्ट किया हुआ है। हमने पिछले लेक्चर के अंदर ये डिस्कस किया था कि एक्चुअली क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। क्रोमोसोम के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे यूनिट्स को क्या कहते हैं, जीन्स कैसे बनती हैं, उनकी अल्टरनेटिव फॉर्म्स को क्या कहते हैं, ये सारी डिटेल हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की है। आइए आज हम उसी लेक्चर को थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं और चंद एक ऐसे नए हम करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के, जो नेक्स्ट रिमेनिंग चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो ये देखते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, क्रोमोसोम्स हमारे बॉडी के अंदर दो फॉर्म में पाए जाते हैं। ये जो क्रोमोसोम हमारे, हम जो आमतौर पर टिपिकल क्रोमोसोम बनाते हैं, इस तरह का बनाते हैं। आपकी बुक के अंदर उसने क्रोमोसोम को बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रॉड की शक्ल में, ये फॉर्म में बनाया हुआ है। हम जैसा क्रोमोसोम है उसकी रिजन फॉर्म बनाते हैं। ये सपोज दैट कि एक क्रोमोसोम है और ये फर्ज करें कि ये मेल से आया हुआ क्रोमोसोम है, और इस तरह से ऐसा ही एक और क्रोमोसोम में बना लेता हूं, और ये मैं ये दूसरा क्रोमोसोम बना लेता हूं, और इसको मैं बना कहता हूं कि ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है। होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो यहां पे ये एक सिंगल की बात करूंगा तो मैं कहूंगा एक अपना दिस इज अ होमोलोग, इट इज अनदर होमोलोग। तो जब हम इसको पेयर की फॉर्म में लेंगे तो मैं कहूंगा होमोलोगस क्रोमोसोम्स या होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। इन क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स मौजूद है। जाहिर है क्रोमोसोम बुनियादी तौर पर डीएनए से बना हुआ है, लेकिन केमिकल कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें ज्यादा प्रोटीन है। हम जब भी क्रोमोसोम की बात कर रहे होते हैं तो हम बुनियादी तौर पर उसको जेनेटिक मटीरियल के तौर पर डिस्कस कर रहे होते हैं। तो नो डाउट कि इसमें प्रोटीन की क्वांटिटी ज्यादा है, 60% प्रोटीन है, 40% डीएनए है, लेकिन क्योंकि हमारा जो बुनियादी चीज है जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, जो हमारे जेनेटिक मटीरियल को कंट्रोल करने वाली चीज है, वो डीएनए है। हिस्टोन्स उसकी आप कह रहे हैं कंट्रोल करती हैं एक्सप्रेशन को, जीन के एक्सप्रेशन को। तो खैर हम डीएनए की बात कर रहे हैं। तो ये क्रोमोसोम है आपके सामने दो, यहां पर फर्ज करें इस तरह से ये एक जीन प्रेजेंट है। सपोज दैट कि यहां पर ये एक जीन है, ये क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन है। तो जब हम क्रोमोसोम के ऊपर जीन शो कर रहे होते हैं तो एक्चुअली आपको पता है कि वो हम डीएनए के ऊपर शो कर रहे होते हैं। ये एक जीन है, ये एक और यहां पे सपोज दैट कि ये एक नेक्स्ट जीन है ऐसे, और ये उसके बाद वाली नेक्स्ट जीन एंड द नेक्स्ट वन, ये मैं यहां पर भी ये जीन्स बना सकता हूं ऐसे, यहां मैं जीन बना सकता हूं, ये नेक्स्ट जीन है ऐसे एंड द नेक्स्ट वन, ये जीन है क्रोमोसोम के ऊपर। कौन सी जीन कौन से क्रोमोसोम के ऊपर पाई जाती है, ये चैप्टर नंबर 23 में आप लोग पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के दो गोल थे। द फर्स्ट गोल दैट वाज टू डिटरमिन द लोकेशन ऑफ जीन ऑन ईच क्रोमोसोम, ये पता लगा लिया जाए कि कौन से क्रोमोसोम के ऊपर किस जगह पे कौन सी जीन है। द सेकेंड गोल वॉज दैट इज द सीक्वेंस ऑफ जीन्स टू डिटरमिन द सीक्वेंस ऑफ जीन्स, यानी कि जीन्स के अंदर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस डिटरमिन करना, ये दो गोल थे। तो ये आपके सामने फर्ज करें, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है। तो यहां पे मैंने डिस्कस किया कि यहां पे एक जीन है, इसी जगह पे एक और, ये फर्ज करें ये उसके पहले एक और जीन है, यहां पे फर्ज करें ये दूसरी जीन दूसरे क्रोमोसोम पे, दिस इज द नेक्स्ट जीन, दिस इज नेक्स्ट वन एंड सो ऑन। ये देखे यहां पे ये जीन है ऐसे, ये इस तरह से ये जीन अरेंज है, ये देखें। तो याद रखिएगा, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अगर यहां पे हेयर कलर की जीन है तो यहां भी हेयर कलर की ही होगी। हेयर कलर एक ट्रेड है, एक ट्रेड है हेयर कलर, यानी कि ट्रेड क्या होता है,
ये जेनेटिक्स लैंग्वेज में करैक्टर को कहते हैं, करैक्टर है, किसी भी जानदार का एक करैक्टर है। मसलन मैं कहता हूं ट्रेड क्या है, कलर है, कलर ट्रेड है, करैक्टर है। मैंने कहा ये हेयर स्टाइल है, हेयर स्टाइल एक ट्रेड है। मैं कहता हूं हाइट है, हाइट एक ट्रेड है, हाइट एक ट्रेड है, और भी बेशुमार ट्रेड्स है। जो ट्रेड जिस फॉर्म में जाहिर होता है उसको फिनोटाइप कहते हैं। मसलन किसी का कलर है वाइट, अब जो कलर था वो ट्रेड था, अब जाहिर किस फॉर्म में हुआ, वाइट के फॉर्म में, फेयर की फॉर्म में, लेस फेयर की फॉर्म में, डार्क में, लेस डार्क में, जिस शक्ल में वो जाहिर हो रहा है उसको कहते हैं फिनोटाइप। हाइट है एक ट्रेड है, अब हाइट में क्या होता है, कोई छोटा है, कोई उससे थोड़ा बड़ा है, कोई उससे बड़ा है, कोई ज्यादा बड़ा है, तो ये जो वेरिएशंस आ रही हैं, जो जो हाइट का ट्रेड जाहिर हो रहा है जिस फॉर्म में, उसको फिनोटाइप कहते हैं। तो जरा गौर करें, तो ये सारे के सारे ट्रेड है। अब मैं यहां पे लिखता हूं कि फर्ज करें यहां पे एक जीन है कैपिटल ए, यहां पे हो सकता है कैपिटल ए ही मौजूद हो सकता है स्मॉल ए हो। फर्ज करें यहां पे है कैपिटल बी है, हो सकता है यहां पे स्मॉल बी मौजूद हो। सपोज दैट यहां पे स्मॉल सी है, सपोज हो सकता है यहां पे भी स्मॉल सी हो। यहां पे फर्ज करें स्मॉल डी है, तो पॉसिबल है यहां पे भी स्मॉल डी ही हो। यहां पे अगर कैपिटल एच है तो हो सकता है यहां स्मॉल एच हो। इस तरह से इनमें क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स पाई जा रही होती हैं। मतलब यहां पे अगर कोई जीन है कैपिटल आई, पॉसिबल है यहां पे भी कैपिटल आई हो या स्मॉल आई हो। इस तरह से ये याद रखिएगा कि एक क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन पाई जा रही होती हैं, उसकी उसी तरह की फॉर्म या अल्टर्ड फॉर्म या अल्टरनेटिव फॉर्म दूसरे क्रोमोसोम में पाई जा रही है। ये दोनों मिलके ओवरऑल हमारे किसी एक फिनोटाइप को, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करती हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मसलन ये क्रोमोसोम का पेयर है, इसके ऊपर फर्ज करिए ये जीन है कैपिटल ए, कैपिटल ए, दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं। अगर तो दोनों जीन्स या दोनों अलील एक जैसी हैं, तो ऐसे जीन के पेयर को हम कहते हैं होमोजाइगस जीन पेयर। ऐसा जीन पेयर जिसमें दोनों अलील एक जैसी हों। सिंपलेस्ट डेफिनेशन, व्हाट इज होमोजाइगस जीन पेयर, आप कहेंगे ऐसा जीन पेयर जिसमें दोनों अलील एक जैसी हों। अगर तो वो दोनों कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं तो आप कहेंगे वो डोमिनेंट होमोजाइगस है, डोमिनेंट होमोजाइगस जीन पेयर। और अगर फर्ज करें वो दोनों छोटे लेटर में लिखी हुई है, जैसे स्मॉल डी है तो ये भी होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस है। क्यों होमोजाइगस है, क्योंकि ये स्मॉल लेटर में लिखी गई है, होमोजाइगस जीन पेयर। क्योंकि ये स्मॉल लेटर में लिखी गई है लिहाजा ये रिसेसिव होंगी, आर ई सी ई डबल एस आई, तो ये रिसेसिव जीन पेयर। रिसेसिव और डोमिनेंट में क्या फर्क होता है, रिसेसिव किसी चीज, रिसेसिव के बारे में दो चीजें आपने याद रखनी है, या तो रिसेसिव उसको कह रहे हैं जिसका करैक्टर छुप गया है, हाइड हो गया, या किसी करैक्टर के एब्सेंस को कहते हैं, किसी चीज के एब्सेंस को या हाइड हो जाने को कहते हैं। मसलन फर्ज करें मैं यहां पे एक रास रहता हूं राउंड सीड का, या राउंड सीड प्लांट का मैं क्रॉस कर देता हूं रिंकल सीड प्लांट के साथ, मैं दोनों का क्रॉस करवाता हूं। अब रिंकल सीड मौजूद है, एब्सेंस नहीं है, हाँ बता राउंडनेस एब्सेंस है, यानी कि जिस सीड का, जिस प्लांट के सीड रिंकल है उसमें राउंडनेस एब्सेंस है। जिस सीड के अंदर राउंड, जिस प्लांट के सीड राउंड है उसमें रिंकलनेस एब्सेंस है। तो या तो ये जो रिसेसिव ट्रेड होता है या तो एब्सेंस का जिक्र कर रहा होता है या फिर रिसेसिवनेस का, इसका करैक्टर हाइड हो रहा है। अब यहां पे मैंने राउंड सीड का रिंकल्ड सीड के साथ क्रॉस करवाता हूं,
मैं दोनों का क्रॉस कराता हूँ, मैं राउंड को कैपिटल आर से ज़ार करता हूँ। चले मैं अभी इसको इसकी बात नहीं करता, रार की मैं बात नहीं करता। मेरे पास दो प्लांट हैं, एक प्लांट के सीड राउंड है, दूसरे प्लांट के सीड रिंकल है। मैंने दोनों को क्रॉस करवाया, जो नया प्लांट बना उसके सीड भी राउंड बन गए, राउंड सीड बन गए। मुझे ये पता चल गया कि इसमें रिंकल जाहिर नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ड्रोन ने रिंकल का करैक्टर छुपा दिया है, लिहाजा ड्रोन को मैं कहूंगा ये डोमिनेंट रेट है और रिंकल को मैं कहूंगा ये रिसेसिव है। डोमिनेंट को मैं कैपिटल लेटर से जाहिर कर दूंगा, रिसेसिव को मैं स्मॉल लेटर से जाहिर करूंगा, लेकिन जाहिर उसी लेटर से करूंगा। मतलब ड्रोन को मैंने कैपिटल आर से जाहिर किया और रिंकल को मैंने डब्ल्यू से जाहिर नहीं किया, आर से ही जाहिर किया है, जिससे ये मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि आर ये जो रिंकलनेस है ये स्मॉल, ये रिसेसिव ट्रेट है। तो रिसेसिव ट्रेट वो होते हैं जो राउंड सॉरी रिसेसिव ट्रेट वो होते हैं जो किसी डोमिनेंट जीन या एलील की वजह से छुप जाए। तो ऐसे करैक्टर को हम क्या कहते हैं, रिसेसिव करैक्टर। और जो जाहिर होते हैं एफ वन में, फर्स्ट फेलिनियल जनरेशन के अंदर जो एफ वन में जाहिर हो जाते हैं उनको डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं। और अगर किसी जानदार के अंदर दोनों अलील एक ट्रेड के लिए सेम है तो ऐसे जानदार को होमोजाइगोट कहते हैं, होमोजाइगोट। इफ एन ऑर्गेनिज्म हैज होमोजाइगस जीन पेयर दैट इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज होमोजाइगोट, चाहे वो फिर डोमिनेंट है चाहे वो फिर रिसेसिव है, उसको हम होमोजाइगोट का नाम देते हैं। अगर डोमिनेंट होगी तो हम उसको कहेंगे डोमिनेंट होमोजाइगोट, और अगर रिसेसिव है तो उसको हम रिसेसिव होमोजाइगोट का नाम देंगे। इसके अलावा अगर किसी जानदार या किसी क्रोमोसोम के अंदर दो जीन डिफरेंट फॉर्म में पाई जा रही हैं, मतलब जैसे एक कैपिटल बी है दूसरी स्मॉल बी है, तो इसको हम कहते हैं हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस जीन पेयर। तो ऐसा जीन पेयर जिसमें दोनों एलील एक दूसरे से डिफरेंट हो, तो ऐसे जीन पेयर को क्या कहेंगे हम, हेट्रोजाइगस जीन पेयर। और ऐसे इंडिविजुअल को जिसके अंदर ये पेयर पाया जाएगा उसको कहेंगे हेट्रोजाइगोट। मसलन जरा गौर कीजिएगा, हमें पता है कि जो हमारी बॉडी में करैक्टर पाए जा रहे हैं क्रोमोसोम के ऊपर वो पेयर की फॉर्म में पाए जा रहे हैं। मसलन जैसे मैंने अभी बात की है कि एक क्रोमोसोम मेल से आता है दूसरा फीमेल से आता है, यहां पे अगर आई कलर है उसी पोजीशन में यहां भी आई कलर है। जब इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों मिलके आई के कलर को कंट्रोल कर रही है, जो डोमिनेंट होगा वो जाहिर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों मिलकर काम कर रही है। तो लिहाजा जब भी हम जीन्स या किसी जेनेटिक मटेरियल का जो जेनेटिक करेक्टर को कंट्रोल करने वाला जीन का पेयर मैंशन करते हैं या जीन्स मैंशन करते हैं तो हमेशा पेयर की फॉर्म में लिखी जाती है, क्योंकि हमें पता है कि एक क्रोमोसोम पे दूसरी दूसरे क्रोमोसोम पे। जैसे मैंने यहां पे लिखा है राउंड सीड प्लांट, तो यहां मैंने दो आर लिखे हैं। इसका मतलब क्या है कि एक आर एक क्रोमोसोम पे है, दूसरा आर दूसरे क्रोमोसोम पे है। तो जब क्रॉसिंग ओवर होनी है, जब गैमेट्स बनने हैं, तो इससे पहले ये तो एक जानदार है, जब इसमें गैमेट्स बनने हैं तो क्या होनी है, मियोसिस होनी है। तो मियोसिस में क्या होना है, एक ने एक क्रोमोसोम ने एक एग में चला जाना या गैमेट में चला जाना है, दूसरे ने दूसरे गैमेट में चला जाना है, स्पर्म में एग है। मतलब यहां पे अगर मैं मियोसिस का शो करता हूं प्रोसेस, तो क्या होगा, ये एक आर एक चला जाएगा गैमेट में, दूसरा दूसरे में चला जाएगा। ऐसे ये होगा स्मॉल आर एक गैमेट में चला जाएगा, दूसरा दूसरे में चला जाएगा। तो यहां से फर्ज करें ये स्पर्म है ये एग है, तो यहां पर बन जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इसमें कैपिटल आर क्या हुआ डोमिनेंट और स्मॉल आर क्या हुआ रिसेसिव। तो करैक्टर किस तरह आना चाहिए, जो डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट क्या है यहां पे राउंड का, तो राउंड यहां पे आ जाएगा, तो ये राउंड ऐसा आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके सामने पेयर बना है कैपिटल आर स्मॉल आर, ये होमोजाइगोट नहीं है बल्कि ये हेट्रोजाइगोट है, क्योंकि इसके अंदर एक कैपिटल जीन है एक स्मॉल जीन है, इसको हम कहेंगे ये हेट्रोजाइगस जीन पेयर है। और ऐसा जानदार जिसके अंदर ये मौजूद होगा उस जानदार को कहेंगे हेट्रोजाइगोट इंडिविजुअल। अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, एक जानदार एक ही वक्त में होमोजाइगोट भी हो सकता है हेट्रोजाइगोट भी हो सकता है। मतलब फर्ज करें वो राउंडनेस के लिए क्या है
होमोजाइगोट है, लेकिन किसी और कैरेक्टर के लिए हो सकता है हेटरोजाइगोट है, तो किसी और कैरेक्टर के लिए हो सकता है वो होमोजाइगोट हो। मतलब ऐसा नहीं होता कि एक वक्त में सारा का सारा जानवर जो ना वो क्या हो, होमोजाइगोट ही हो या हेटरोजाइगोट ही हो, तो दोनों एक ही वक्त में दोनों कैरेक्टर भी पाए जा सकते हैं। तो ये है एक्चुअली ओवरऑल जीन की फॉर्म्स। तो याद रखिएगा ट्रेट में और फिनोटाइप में फर्क है। फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप मैंने जैसे बताया कि एक कलर है, कलर क्या है? एक ट्रेट है, करेक्टर है। वो कलर किस फॉर्म में जाहिर होता है? मतलब अगर प्लांट्स के फ्लावर्स हैं तो हो सकता है वो रेड में जाहिर हो सकता है वो व्हाइट में जाहिर हो, व्हाइट फ्लावर है, हो सकता है वो ब्लैक में जाहिर हो सकता है वो पिंक में जाहिर हो। तो जिस किसी फॉर्म में कोई भी ट्रेट जाहिर हो रहा है उस जाहरी फॉर्म को फिनोटाइप कहते हैं। मसलन मैं कहता हूं हाइट है, हाइट एक सपोज दैट ट्रेट है, हाइट एक ट्रेट है, हाइट एक ट्रेट है, हाइट जाहिर हो रही है 3 फीट में, हाइट किसी की जाहिर हो रही है 4 फीट में, किसी की हाइट हो रही है 5 फीट में, किसी की है 6 फीट में। तो ये जो सारे जाहिर हो रहे हैं ये ओवरऑल क्या कहलाएंगे? फिनोटाइप्स। तो फिनोटाइप और ट्रेट में फर्क है। ट्रेट हम किसी भी बायोलॉजी की लैंग्वेज में किसी जानदार के ओवरऑल करेक्टर को कहते हैं, जबकि जो करेक्टर जाहिर होता है उसको फिनोटाइप कहते हैं। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा फिनोटाइप होगा? ये कौन डिसाइड करेगा? मतलब फ्लावर का कलर ब्लैक है, ब्लू है, पिंक है, पर्पल है, रेड है, व्हाइट है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा उसके अंदर पाए जाने वाला जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट, उसके अंदर पाए जाने वाला जेनेटिक मटेरियल, उसके अंदर पाए जाने वाली जीन्स का पेयर, वो डिसाइड करेगा। जिसके अंदर जिस तरह का जीन का पेयर मौजूद होगा उसका उस तरह का फिनोटाइप होगा। तो उस फिनोटाइप को पीछे कंट्रोल करने के लिए जो जीनोम पड़ा हुआ है, जो उसके अंदर जो पीछे जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट पड़ा हुआ है उसको क्या कहेंगे? जीनोटाइप। उसको क्या कहेंगे हम? जीनोटाइप। मसलन मैं कहता हूं कि रेड के लिए सपोज दैट के कैपिटल आर, कैपिटल आर है, व्हाइट के लिए सपोज दैट डब्ल्यू, डब्ल्यू है, ब्लैक के लिए बी है, बी है, पिंक के लिए फर्ज करें ये कैपिटल आर, कैपिटल डब्ल्यू है, कोई और है। तो इस तरह से जो भी किसी करेक्टर को, किसी फिनोटाइप को कंट्रोल करने के लिए जो पीछे पड़ी हुई है जीन्स, जीन्स या जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट किसी भी जानदार के अंदर, उस जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट को जीनोटाइप का नाम देते हैं। तो ट्रेट भी साथ हो गया, ट्रेट क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, ये बातें हमें समझ में आ गई हैं। जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है। तो ट्रेट ओवरऑल जो करेक्टर पाया जा रहा है उसको कहेंगे, उसकी जितनी भी फॉर्म्स हैं किसी पॉपुलेशन के अंदर उसको फिनोटाइप कहेंगे। फिनोटाइप जिससे कंट्रोल हो रहा है उस जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट को, कॉम्प्लीमेंट इस वजह से वर्ड यूज किया जा रहा है क्योंकि सारे के ओवरऑल को नहीं कहेंगे, छोटे से पार्ट को कहेंगे जो फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहा है, इस वजह से यहां पे वर्ड यूज किया जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। तो जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट को क्या कहेंगे हम? जीनोटाइप कहेंगे। तो ये है स्टूडेंट्स ओवरऑल बातें। तो याद रखिएगा जीन्स सम टाइम क्रोमोसोम के ऊपर फिक्स होती है, लेकिन कुछ जीन ऐसी होती हैं जो अपनी जगह को चेंज करती रहती है। मतलब कुछ जीन्स की पोजीशन क्रोमोसोम के ऊपर फिक्स नहीं होती, वो अपनी क्रोमोसोम की पोजीशन चेंज करती रहती है रेप्लिकेशन के दौरान। मतलब एक जानदार है, उसके फर्ज करें एनिमल है, कोई हॉर्स है, फर्ज करें उसके कोई ब्लैक स्पॉट है उसके गर्दन पे है, तो हो सकता है उसकी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर उसके बैक पे हो सकता है वो जो स्पॉट है उसके किसी टांग पे चला जाए। तो ये जो करेक्टर चेंज होता है ये जीन की पोजिशन चेंज करने की वजह से होता है। तो ऐसे जीन्स जो अपनी पोजीशन पे बरकरार न रहें बल्कि क्रोमोसोम के ऊपर ही अपनी पोजीशन चेंज कर लें या किसी एक क्रोमोसोम से किसी दूसरे क्रोमोसोम पे जंप करके चली जाए क्रॉसिंग ओवर के दौरान, तो ऐसी जीन्स को कहते हैं जंपिंग जीन्स। सच जीन्स विच डू नॉट प्रेजेंट ऑन देयर ओरिजिनल पोजीशन लोकाई एंड दे मे होपिंग आर यू कैन से जंपिंग फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर फ्रॉम एट द सेम क्रोमोसोम आर अदर क्रोमोसोम, such genes are called as jumping genes।
इसकी एग्जांपल है, ऐसे जीन्स को नाम भी दे सकते हैं आप, ट्रांसपोज जीन्स, ट्रांसपोज जीन्स भी कहते हैं इनको। तो ये था स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, क्रोमोसोम के ऊपर जिस जगह पे जीन पाई जा रही होती है उस पोजीशन को कहते हैं लोकस, लोकेशन से लोकस, और अगर ज्यादा है तो उसको कहते हैं लोकाई, लोकस की जमा को कहते हैं लोकाई। ठीक हो गया जी, तो ये बेटे आपने याद रखना है, ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इनको आप लोग शेयर भी करें, आगे शेयर करें। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलता हूं आपसे, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।